पिछले 24 घंटे में सभी जिला में ड्राई वेदर था। एक दो जगह में शैलो फॉग हुआ है, मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली। और मिनिमम टेम्परेचर जो है स्वाभाविक से अभी ज़्यादा ही है। मिनिमम टेम्परेचर मेनली 16 to 18 इस रेंज में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही है। कुछ कुछ जगह में हमारा 11 से 13 व 14 15 भी है। टेम्परेचर लोएस्ट जो है प्लेन एरिया में फुलवानी में 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोरापुट हिली एरिया कोरापुट में 11.2, दारिंगबाड़ी 11.0 और भुवनेश्वर सिटी में 16.8 डिग्री सेंटीग्रेड था। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट रहेगा, इसमें अगला 5 दिन ही ड्राई वेदर ही रहेगा और ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा। डेंस फॉग काल काल सुबह कुछ जिला में एक दो जगह करके हो सकता है, जैसा मयूरभंज, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक जिला में मेनली। शैलो टू मॉडरेट फॉग भी जाजपुर, भद्रक, कंधमाल, मयूरभंज, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह में हो सकता है। फिर 11 तारीख सुबह भी फॉग का चांसेस है, मेनली जगतसिंहपुर, नौगढ़, नयागढ़, कंधमाल, बौद्ध, ओंगोल, कटक, खुर्दा, केंद्रपाड़ा, भद्रक, पुरी। और टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर अगला 2-3 दिन में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। अभी मैंने 2-3 दिन का बाद फिर मिनिमम टेम्परेचर हमारा नॉर्थ इंटर उड़ीसा से फॉल करना स्टार्ट होगा, फिर ग्रेजुअली सभी जिला में फॉल करने का चांसेस है। अभी अगला 2-3 दिन तक मिनिमम टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंटर उड़ीसा में अबव नॉर्मल रहने का चांसेस है। कोस्टल ओडिशा में 2 से 3 डिग्री अबव नॉर्मल मेनी प्लेसेस में रहने का चांसेस है। उसका बाद फिर नॉर्मलाइज कैजुअली होगा, 3 to 5 डिग्रीज तक फॉल करने का चांसेस है। मीन्स हमारा 2-3 दिन बाद, आज कल 10-11 मीन्स 12 तारीख में एक्सट्रीम नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा में, और 13 तारीख से फिर कैजुअली नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा से स्टार्ट करके धीरे धीरे साउथ तक फॉल करने का स्टार्ट फॉल टेम्परेचर फॉल करेगा ग्रेजुअली। भुवनेश्वर सिटी में हमारा जो है कल टेम्परेचर 17 का आसपास ही रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर। सुबह टाइम मिस्ट व शैलो फॉग होने का चांसेस है, मेनली क्लियर स्काई रहेगा।